हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, नॉलेज सपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आए हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर व्यूअर्स बाय फेसबुक, यानी फेसबुक के द्वारा आप अपने व्यूअर्स के नंबर ऑफ कैसे इंक्रीज करें। तो देखिए, आपके सामने ये आपका वीडियो अभी प्ले हो रहा है। आपको करना क्या है, सिंपल सा, जिस भी वीडियोज को आप फेसबुक पर शेयर करना चाहते हैं उस वीडियोज़ को प्ले करें और उसका एड्रेस बार से उसका लिंक कॉपी करें। सिंपल सा कॉपी करिए और आपका फेसबुक जो पेज ओपन है वहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे सिंपल सा जो आपका स्टेटस है यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ पे उस एड्रेस बार को या जहाँ से आपने एड्रेस को कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करें और सिंपल सा यहाँ पे पोस्ट बटन है, पोस्ट बटन पर क्लिक करें। तो जो आप पोस्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो वीडियो का जो लिंक है आपके फेसबुक पर शेयर हो जाएगा। तो देखिए, मैंने पोस्ट बटन पे क्लिक किया है और थोड़ी देर में ये आपका जो यहाँ पे हमने कॉपी और पेस्ट किया है, यहाँ से वीडियो का जो लिंक था, फेसबुक लिंक था, एक्चुअली यहाँ से कॉपी करके हमने यहाँ पे जो मेरा फेसबुक ओपन है उसके ऊपर आके हमने ये सिंपल सा क्लिक करके यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट किया है। पर देखिए, यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया, बिल्कुल प्योर बता रहा है। पर जब आप यहाँ पे प्ले करते हैं तो प्ले करने पर क्या होता है कि जो आपने फेसबुक से जो लिंक कॉपी करके यूट्यूब से जो इस वीडियो का आपने लिंक करके कॉपी पेस्ट किया है फेसबुक पर, जब आप उसे प्ले करते हैं तो वो केवल फेसबुक विंडो पर ही प्ले होता है। हवा फेसबुक पर आपका वीडियो प्ले हम बात करेंगे, कहीं आपका जो नंबर ऑफ व्यूअर्स जो यूट्यूब पर काउंट हो रहा है वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज कि आपने जिस लिंक को पेस्ट किया है फेसबुक पर और कोई भी यूजर उस पर प्ले बटन पे क्लिक करता है, उस वीडियो को वॉच करता है, तो वो वॉच नंबर्स यानी वो व्यूअर्स नंबर्स आपके यूट्यूब अकाउंट में काउंट नहीं होते हैं। क्योंकि फेसबुक वाले बहुत बदमाश होते हैं, एक्चुअली वो क्या करते हैं कि आपके ट्रैफिक को यूट्यूब पर डाइवर्ट नहीं करते, यानी उसको ट्रैफिक को वहाँ पर नहीं भेजते, वो केवल अपने पेज पर उसको प्ले करते हैं। तो यानी इसका आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं मिला, यानी कि नंबर ऑफ व्यूअर्स में वो वीडियो आपका जो वॉच था वो काउंट नहीं हुआ। इसका एक दूसरा तरीका है कि आप चाहते हैं अपने वीडियोस को शेयर करें फेसबुक पे और आपके नंबर ऑफ व्यूअर्स में वो काउंट हो, तो उसके लिए गूगल पे जाइए और गूगल पे जाने के बाद में एक वेबसाइट है fblinker.com, बिल्कुल fblinker.com यहाँ पे सर्च करिए fblinker.com, इसको सर्च करिए। तो जो आप fblinker.com राइट करके सर्च करेंगे तो इसका एक वेब एड्रेस है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, इसका एक वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यानी आपको करना है कि आप गूगल पे जाइए, सर्च बार में fblinker.com आप सर्च करिए और जो ही आप सर्च करेंगे तो इसका एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली fblinker.com को भी आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल, या तो आप गूगल पे जाके fblinker.com को सर्च करिए, जो आप fblinker.com को सर्च करेंगे तो ये देखिए इसका लिंक बन के आ गया, यहाँ से आप ओपन कर लें। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस बार में fblinker.com ओपन करें, जो आप fblinker.com ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसका एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस एड्रेस को आपने कॉपी किया योर लिंक जो ऑप्शन है उसमें पेस्ट करें, साइड में क्लिक करें, थोड़ा सा वेट करिए। जो आप थोड़ा वेट करेंगे इसका थंबनेल्स आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे डिस्प्ले होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर। तो ये आपका देखिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया आपका थंबनेल। अब आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर के लिए वेबसाइट प्रोसेसिंग करेगी और नीचे आइकन आएगा शेयर ऑन फेसबुक, आप सिंपल सा इस पर क्लिक करें। जो है आप इस पर क्लिक करेंगे फेसबुक का आपका ब्लैंक पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा, आपको ये प्रीव्यू बताएगा कि आपका ये फेसबुक को जब शेयर होगा तो किस तरह से दिखाई देगा, कैसा लगेगा। आपको सिंपल सा बॉटम साइड राइट हैंड टॉप में एक बटन होगा पोस्ट टू फेसबुक, जो है आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आपका जो वीडियो है यूट्यूब का ये फेसबुक पर शेयर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसा दिख रहा है आपका फेसबुक पर। आप अपने पेज पे आइए और ये आपका वीडियो है। देखिए, इससे पहले वाला जो वीडियो था वो जब हम क्लिक कर रहे थे प्ले बटन पे तो केवल वो फेसबुक वाले पेज पर ही प्ले हो रहा था, उससे आपको नुकसान ये हुआ कि वो आपकी नंबर ऑफ व्यूअर्स में काउंट नहीं हुआ। और जो अभी हमने यहाँ पे
जो आप देख रहे हैं abbylinker.com के द्वारा हमने शेयर किया है। तो जब आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपके ट्रैफिक को YouTube पर ले जाएगा, और कोई भी यूज़र या कोई भी व्यूअर इस पर क्लिक करेगा तो कहीं ना आपके व्यूअर्स में काउंट होगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्टली ट्रैफिक को डाइवर्ट करके ये YouTube पर लेके जा रहा है। खुला यहाँ पे YouTube आपका, थोड़ा वेट करिए। देखिए यहाँ पे एड्रेस बार में आ गया youtube.com और जस्ट ये प्ले हो रहा है आपके सामने, लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। इस एड को तो मैं स्किप कर देता हूँ यहाँ से, और ये देखिए ये जो मैंने वीडियो शेयर किया था फेसबुक पर, तो जो फेसबुक पर मेरे वीडियो पे क्लिक किया था ऑटोमेटिक उस ट्रैफिक को उसको ऑटोमेटिक यूट्यूब पर लाके उसको प्ले किया। तो इसका मतलब है अगर बात करेंगे शेयर करें तो रिलेटेड सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो मान के चलिए कि आपका वो आपके नंबर ऑफ व्यूअर में काउंट नहीं हुआ, क्योंकि ये वीडियो आपका ओनली फेसबुक पर ही प्ले हो रहा है। और अगर आप abbylinker.com के द्वारा अगर आप इसको शेयर करते हैं तो जब आप कोई भी यूजर या कोई भी व्यूअर उस वीडियो को प्ले करता है तो डायरेक्टली वो YouTube को एक्सेस करके वो वीडियो YouTube पर ही प्ले होता है, तो यानी वहाँ पे आपके नंबर ऑफ व्यूअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसका एक छोटा सा और टिप्स बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को जो abbylinker.com के द्वारा शेयर करें, या फिर जैसे मैंने abbylinker.com के द्वारा ये वीडियो शेयर किया, आप देखिए नीचे बटन शेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में कुछ ऑप्शंस पूछेगा आपसे कि इस वीडियो को आप दोबारा से शेयर कर रहे हैं, आप पब्लिकली शेयर कर रहे हैं, किसी फ्रेंड्स की टाइमलाइन पे शेयर कर रहे हैं या ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप इस वीडियोज़ को शेयर नाउ पब्लिक कर रहे हैं या फिर आप शेयर ऑन ए फ्रेंड्स टाइमलाइन कर रहे हैं या किसी ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, तो इससे भी आपके नंबर ऑफ व्यूअर्स इंक्रीज होंगे। ये तरीके हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आप अपने चैनल पे कैसे डाइवर्ट करें। तो उसमें भी ये तरीके कि ठीक है आपने फेसबुक पे शेयर किया पर सबसे पहले आपने abbylinker.com का यूज़ किया तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रैफिक आपको मिल जाएगा। सेकंड थिंग, जब आपने abbylinker.com के द्वारा वीडियो को शेयर किया तो उसके बाद में अगर आप उसको दोबारा शेयर करें तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, उसको आप किसी ग्रुप में शेयर कर रहे हैं या किसी फ्रेंड्स की टाइमलाइन पे शेयर कर रहे हैं या पब्लिक में शेयर करें। तो देखिए मैं किसी ग्रुप में शेयर करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करिए और जो आप शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए आप किसी ग्रुप में शेयर कर रहे हैं कंप्लीटली, तो यहाँ पे आपसे देखिए शेयर इन ग्रुप पे क्लिक करें और ये आपसे ग्रुप नेम पूछ रहा है, तो जो भी आपका ग्रुप है या जो भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें आप यहाँ पे जो ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके ग्रुप किसी नाम लिखिए तो यहाँ पे उन ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए इस ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं, इस ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं, सेलेक्ट करें और सिंपल सा पोस्ट कर दें, तो जो ऐप भी पे जो ग्रुप बना रखे हैं लोगों ने उन ग्रुप में भी आप इस तरह से वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और आप अपने नंबर ऑफ व्यूअर्स की संख्या है इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बाकी और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।